तो नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मेरा नाम है ऋत्विक शर्मा, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो रिवर फ्रंट बन रहा है अपने गुप्तार घाट अयोध्या में, उसका कितना काम हो चुका है और कितना बचा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर ये सब नदी थी और अभी फिलहाल यहाँ पानी नहीं है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। जैसा कि आप मेरे दोनों साइड देख सकते हैं, आप इधर भी देख सकते हैं, पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे पूरा बांध टाइप का बनाया गया है। और अगर मैं आपको पास चल के दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे पत्थरों से पूरा बंधा बनाया गया है। और अगर मैं इधर दिखाऊं तो इधर भी सेम चीज ही हुई है। और ये रास्ता पूरा जाता है गुप्तार घाट, ये रोड जो है लता मंगेशकर चौराहे के पास से नए घाट से लेकर पूरा अयोध्या के गुप्तार घाट तक जोड़ती है। और ये पूरा रिवर फ्रंट बन रहा है, आगे तक ही पूरी रोड बन रही है। अभी जिस जगह पे हम लोग चल रहे हैं, पहले यहाँ पे सिर्फ नदी हुआ करती थी, इसके ऊपर रोड जो है वो अभी बनाया गया है। और ये पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क पिछले 3 से 4 महीने से लगातार चल रहा था। और जैसा कि इधर देख सकते हैं, इधर जो है पूरे यहाँ पर रोड मतलब बनाने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट और जो जो चीज़ें यूज होती है सब यहाँ पर, कार ट्रक सब खड़ी हुई है। और सामने अभी हमारे यहाँ पर थोड़ी धूप है और यहाँ की रोड जो है वो काफ़ी अच्छी बन चुकी है, इससे लोगों को काफ़ी आसानी होगी। अयोध्या के राम घाट या सरयू घाट, मतलब सरयू की नदी के किनारे किनारे ये पूरा बांध जो है वो बनाया गया है कि आप रोड से भी पूरा फैजाबाद अयोध्या कैंट से लेकर मेन अयोध्या लता मंगेशकर चौराहे तक आप ट्रेवल कर सकते हैं। और ये काफ़ी जो है स्मूथ लग रही है यहाँ की रोड, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर कभी ऐसा नदी वदी भी था। और ये रोड इतनी ज़्यादा सुंदर हो चुकी है, यहाँ से आपको दूर से देखिए नीला नीला दिख रहा होगा, यहीं पर जो है क्रूज शिप भी चलेगा। और ये रास्ता पूरा पूरा गुप्तार घाट में जाता है। अभी चल के दिखाएंगे आपको, ये इसका अपडेट दिया है, अभी गुप्तार घाट में भी चल के दिखाएंगे जो जो डेवलपमेंट हुआ है यहाँ, बांध जो भी बना हुआ है। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं आगे और आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, यहाँ का सीन कुछ ऐसा है। हमारे इस साइड में जो है वो नदी है, वो देखने में कितनी सुंदर लग रही है। सामने बीच टाइप के छोटे छोटे यहाँ पे बने हुए हैं जहाँ पे पानी ना होने की वजह से ऐसे दिख रहे हैं। और अगर भाई दूसरी तरफ आपको इधर का मैं एरिया दिखाऊं तो इधर का एरिया कुछ ऐसा है। ये सब अभी नया रीडेवलपमेंट रीकंस्ट्रक्ट हुआ है। और अभी चलते हैं आगे के साइड और दिखाते हैं आपको वहाँ का क्या सीन है। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि अगर मैं आपको बता दूँ, आगे सामने आप ब्लू कलर का एक बड़ा सा फार्म टाइप का, मतलब जो भी है इसे जो भी बोलते हैं, आप देख रहे होंगे तो क्रूज शिप के वर्कशॉप टाइप के लिए बना हुआ है। तो ये हमारे सामने आप देख रहे हैं जो पूरा वर्कशॉप टाइप का बना हुआ है, इतना बड़े एरिया में ये जो बना हुआ है। और इसी के सामने से यहाँ घाट की पूरी मतलब घाट का इंटरफेस पूरा शुरू होता है यहाँ पर। और यहीं पर देखिए, यहाँ पे नदी है, आने वाले टाइम में जो है यहाँ पर बोट जो है वो चालू हो जाएगी, यहाँ बोटिंग क्रूज चालू हो जाएगी, क्रूज सर्विसेज। और यही जो है मतलब यहीं पर सारी चीज़ें उसका अलॉटमेंट ऑफिस टाइप का होगा, इसीलिए ये बनाया जा रहा है। अभी चलते हैं घाट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है वो क्रूज सर्विसेज के लिए चालू होगा और यहाँ पीछे हमारे घाट के लिए एंट्रेंस है। तो अभी चलेंगे घाट की तरफ और आपको वहाँ पे दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पर क्रूज के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट की जा रही, बनाई जा रही। देख सकते हैं आप, यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। तो अभी इसके पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है चीज़ें कितनी हो रही और काम कितना बचा है। अभी तो मेरे ख्याल सिर्फ यहाँ पर ऐसे ये टीने का पूरा शेल्टर बना दिया गया, बट अभी इसके अंदर कोई कार्य जो है मुझे लगता नहीं कि अभी हुआ होगा। चलिए चलते हैं पास से, आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अंदर अभी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, अभी आगे की तरफ साइड से गाड़ी एक बार राउंड करा लेंगे ताकि आपको तक पूरी जानकारी मिल पाए यहाँ पर क्या हो रहा है। फिलहाल तो यहाँ ग्रेजिंग हो रही है, कई लोग जो है अपना घास चर रही हैं। और वही देखेंगे इधर, तो यहाँ पर जो है अभी भी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मिट्टी से अभी कर दिया गया। अंदर अभी मेरे ख्याल से मुझे लगता है फर्श बनेगी। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पिलर्स टाइप के बने हुए हैं, आने वाले टाइम में पूरा यहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर सजावट का काम होगा और इसको काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया जाएगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं घाट की तरफ और आपको दिखाते हैं कि घाट पर कितना वर्क हुआ है, ये अयोध्या डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अभी कितना काम किया। तो चलिए चलते हैं, पहले वहाँ पर दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये जो है ये घाट का व्यू है इस समय यहाँ पर शाम का। और ये देखिए इधर सनसेट होता हुआ काफ़ी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर जो है बैठने के लिए कुछ जगहें बना दी गई हैं और यहाँ गेट है और आप वहाँ से मतलब आ भी सकते हैं।
और यहाँ पे अपनी आप कार पार्किंग कर सकते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है तो यहाँ कार पार्किंग के लिए कोई झंझट ही नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं आने वाले टाइम में जो यहाँ पर जब कभी कुछ कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर जो है पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये जो हमारे पीछे नदी है, ये सरयू नदी है, और यहाँ पर सच आपको बता दूँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है कभी कभी। बट अभी जो है इस टाइम पे ये टूरिस्ट प्लेस अच्छा खासा बन गया हमारे अयोध्या का। अयोध्या से थोड़ा सा आउटर होने की वजह से यहाँ पर जो है अभी भीड़ वैसे रोजाना कम हो पाती है, बट ये जो है वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी यहाँ पर भीड़ होती है और काफी ज्यादा सुंदर बन चुका है। तो पहले चलेंगे हम आपको पार्क की तरफ, पुराना पार्क और नया पार्क दोनों दिखाएंगे कि यहाँ पर काफी सुंदर वो बन चुका है। तो चलिए पहले आपको वो दिखाते हैं, पहले नया वाला पार्क और यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो आपको दिखाएंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले हम लोग पुराने पार्क के पास आएंगे। तो ये हमारा जो है वो पुराना पार्क है और इधर भी एक पुराना पार्क है और अभी यहीं से हम लोग चलेंगे नए पार्क की साइड। तो चलिए पहले वहाँ चलते हैं। और ये देखिए अभी हम लोग नए पार्क के बाहर हैं और ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, देखने में काफ़ी साफ सुथरा और सुंदर पार्किंग एरिया लग रहा है यहाँ का। और यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ पार्क है, भी चलेंगे जो है नए वाले पार्क में, वहाँ कुछ आपको व्यूज देते हैं। तो अभी ये है देखिए पार्क के अंदर का नज़ारा और यहाँ पर पेड़ देखिए कुछ ऐसे लगे हुए हैं काफ़ी सुंदर सुंदर और यहाँ की फर्श भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है। और अगर आप यहाँ पर लाइटनिंग की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पर लाइटनिंग हुई है और आगे वहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए भी जो मशीनें लगाई गई हैं और बैठने के लिए, हाँ ये कहूँगा कि यहाँ बैठने के लिए थोड़ा सा कम चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे बैठने के लिए यहाँ पर बेंचेस नहीं लगाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत बच के हम लोग निकल लेंगे और थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे कि आगे वहाँ जो झूले हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं और कितने लगाए गए हैं। अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर झूले लगे हुए हैं और इधर भी झूले लगे हुए हैं और उधर ही आपको इसके जस्ट अपोजिट साइड में अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर मशीन्स लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए नॉर्मली देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पर मशीन्स लगी हैं। और अभी जो है यहाँ से पार्क से बाहर चलेंगे और यहाँ का आपको एरिया दिखाते हैं। तो अभी जो है आपको यहाँ पर पार्किंग के बारे में बताएंगे और यहाँ का पार्किंग स्थल कुछ ऐसा है, आप जैसे देख सकते हैं फोर व्हीलर पार्किंग सेपरेटली है, टू व्हीलर पार्किंग यहाँ सेपरेटली है और आगे कुछ दुकान भी बनी है। तो चलिए पहले आपको दुकान का थोड़ा सा दिखाते हैं, बाहर से झलक दिखाएंगे आपको कि यहाँ जो दुकानें हैं वो किस तरीके से बनी, जैसे आप सामने देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये दुकानें भी बनी हुई है, दुकानें बनने का रीज़न भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और अभी चलेंगे हम यहाँ से बाहर की तरफ और पूरा यहाँ पर जो एरिया बना हुआ है उसको दिखाएंगे। यहाँ का एरिया काफ़ी सुंदर बना है, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना, तो उसको दिखाएंगे। तो देखिए जैसे कि यही वो रास्ता है जहाँ से बाहर निकलने का कुछ ऐसा इंटरफेस है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर बैठी हुई है और यहाँ पर बाहर जो है बहुत से क्या कहते हैं फूड आइटम्स लगे हुए, आइसक्रीम हो गया और आपका क्या कहते हैं छोला भटूरा हो गया और बाटी चोखा हो गया और आपका बहुत से आइटम्स है। यहाँ पर देखिए बाहर का इंटरफेस यहाँ पर कुछ ऐसा बना है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने में लग रहा है। और यहाँ पर जो है ठेले लगने की वजह से बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है, ख़राब दिख रहा है यहाँ पर एरिया, लेकिन आगे सही है, लोग अपनी कार भी यहीं पार्क करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने पार्किंग दी हुई है, पर तब भी यहाँ के लोग थोड़े से क्या बताऊँ सहूर अभी नहीं आया जो बाहर से आते हैं। चलिए तब भी आगे। और ये देखिए यहाँ पर एक ये देखिए चौराहा टाइप का बना है जहाँ पे लोग जा जाके फोटो ज़रूर क्लिक करा रहे हैं, क्योंकि अभी अयोध्या वासियों के लिए नया चौराहा बना है जो कि इस तरीके से पहली बार बना है। और अभी चलेंगे हमारे घाट की तरफ जिसका हम लोग को हमेशा से इंतज़ार मतलब शुरुआत से था, चलिए चलते हैं घाट की तरफ, वहाँ भी आपको दिखाते हैं। और घाट की तरफ आपको यहाँ पर कुछ दुकानें मिल जाएंगी जहाँ की पकौड़ी आपको बहुत ज़्यादा फेमस है, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और अभी चलेंगे घाट की तरफ, देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस है घाट की तरफ का। और यहाँ पर देखिए पकौड़ी वकौड़ी की दुकान यहाँ पर इतनी है और यहाँ पर आप भीड़ देख ही सकते हैं कितनी है। तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट घाट पर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घाट पर और घाट का आप भी हमारे देख सकते हैं 360 डिग्री आपको दिखा दे रहा हूँ घाट का कुछ ऐसा भी है। और वीडियो करेंगे यहीं पर एंड, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।